अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त लगातार चर्चाओं में है। खबर ये मिल रही है कि सीमा हैदर सचिन के साथ शादी करने वाली थी और ये शादी बुलंदशहर में होनी थी। इसके लिए सचिन के परिवार ने पूरी तैयारियां कर ली थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज की तैयारियां थी, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो फिर उसके बाद उन्होंने प्लान बी बनाया और ये प्लान बी था कि वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ एक किराए पर आकर रहने लगी। दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे ताकि शादी कर सके। हालांकि जिस वक्त उन्होंने एक वकील से संपर्क किया, उसे भरोसे में लेकर सारी बातें बताई, यहीं से उनके अच्छे दिन समझ लीजिए गायब हो गए, क्योंकि इस वकील ने पुलिस को सूचना दे दी और उसके बाद से ही किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। बता दें, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लगातार विवादों में बनी हुई है। एक से बढ़कर एक खबरें उसको लेकर सामने आ रही हैं, जो सबको हैरान करती हैं, चौंकाती हैं, और यही वजह है कि कुछ एक तबका लगातार ये मांग कर रहा है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। आपको बता दें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सीमा हैदर ये कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी बल्कि मर जाएगी, तो उसे मरने दें, लेकिन उसे पाकिस्तान जरूर भेजें। अब इसी बीच बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि सचिन के परिजन पूरी तरह से तैयार थे। बुलंदशहर में उन्होंने तैयारी कर ली थी कि दोनों की कोर्ट मैरिज होगी। इसको लेकर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पूरे किए जा रहे थे, लेकिन चूंकि वो अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो सके तो फिर दोनों ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में किराए के मकान में रहना ही उचित समझा ताकि सही वक्त का इंतजार हो सके। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि यूपीएटीएस द्वारा बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में दबिश देकर दो भाइयों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। यूपीएटीएस ये पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने सीमा हैदर की मदद की और कौन सचिन और सीमा के साथ मिला हुआ था। खबर तो ये भी मिल रही है कि दोनों भाइयों ने अपने जनसेवा केंद्र से ही सीमा और सचिन के कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। हालांकि यूपीएटीएस ने अभी तक किसी को भी हिरासत में लेने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आई है। बता दें आपको, बुलंदशहर का नाम इस मामले में पहले भी सामने आ चुका है। दरअसल सीमा के पाकिस्तानी पहचान पत्र पर काफी सवाल उठ रहे थे और इसीलिए एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन से गहनता से पूछताछ की थी ताकि कुछ न कुछ खुलासा जरूर हो। हालांकि यूपी एटीएस की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके बाद ये कहा जा सके कि सीमा जासूस है, लेकिन पूरी तरीके से इस बात को नजरअंदाज करना कि वो पाकिस्तान से आई है गलत होगा। बहरहाल यूपीएटीएस की पूछताछ के बाद सीमा किस तरह से गुहार लगा रही है कि उसे यहीं पर रहने दिया जाए, पाकिस्तान न भेजा जाए, जरा सुनिए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जांच चलती थी बात हुई कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं था, न ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे रिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी भेजा गया था? ऐसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले भी कह रहे कि हम नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो जाहिर अब खुद को बचा। फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, दो मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने दो साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जाँच चल रही थी सर, इसी कारण। जी बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना बच्चों से मैं दूर रही, दो तीन दिन बच्चे मेरे साथ नहीं थे।
ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। सचिन और सीमा को आपने सुना, उनकी बात को आपने समझा। अब जरा आपको सुनवाते हैं सीमा के पति गुलाम हैदर की वो बात जो वो एक वीडियो में बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है, काबा पहुंचकर साफ तौर पर कह रहा है कि उसे बच्चे वापस चाहिए और भारत सरकार उसके बच्चे उसे वापस दिलाने में उसकी मदद करे। बहरहाल इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम कपिला शरीफ में हूँ, आप ये देख भी सकते हो। गांव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब सरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस आ जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको। हिन्दुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी मुझे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं, छोड़ के मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मेरे मैं मिस्किन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूं मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया।